हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एंड आई होप यू ऑल आर गाइस डूइंग फाइन। सो फिर से मैं लेके आई हूँ मेकअप क्लास डे 6, जिसको आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्लॉलेस बेस टेक्निक एंड हाउ टू चूज राइट फाउंडेशन। जैसे कि फाउंडेशन हम परचेज करते हैं तो हमें परचेज करना नहीं आता कि राइट फाउंडेशन कौन सा हमारे स्किन टोन के लिए, हमारा अंडर टोन क्या है, कूल है या वार्म है। तो ये सब चीज़ें जो है हम आज की डे 6 क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सो अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सो आज का मेन टॉपिक है हमारा फ्लॉलेस बेस टेक्निक एंड जो है हाउ टू चूज राइट फाउंडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, बेस हाउ फ्लॉलेस बेस के लिए हमारे जो स्किन टोन क्या है वो हमें जाननी जरूरी है, नोइंग योर स्किन टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो होगा, सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है नोइंग स्किन टाइप्स, टोन एंड रिक्वायरमेंट, देन स्किन प्रिपरेशन बिफोर फाउंडेशन एप्लीकेशन। फाउंडेशन एप्लीकेशन से पहले हमें स्किन प्रिपरेशन करनी होती है, लाइक हम CTM करते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, देन कोई फेस सीरम या फिर फेस ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो हमारा स्किन प्रिपरेशन। फाउंडेशन से पहले हमें स्किन प्रिपरेशन करनी है अच्छे से एंड चूज़ द राइट फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमारा स्किन टोन के अकॉर्डिंग राइट फाउंडेशन होगा। ये जो हम फाउंडेशन कैसे राइट चूज़ करें ये मैं अभी थोड़ी देर बाद जो है वो बताने वाली हूँ। मैं इसका भी मैं अलग एक टॉपिक इसी वीडियो में ही बताने वाली हूँ। एंड टूल्स फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन, फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए आप टूल्स कोई भी चूज़ कर सकते हो। ब्रश, आप ब्रश ज़्यादा अच्छा लगता है तो ब्रश यूज़ कर सकते हो या फिर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हो गया नोइंग द स्किन टाइप्स, टोन्स एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड ये हम कैसे, जैसे हमें आती है तो आपको ठीक है, ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं आती स्किन टाइप। मैंने जो हमारा जो डे 1 या डे 2 था उसमें मैंने स्किन टाइप्स एंड स्किन केयर बताया था, उसमें हम कैसे नॉर्मल स्किन कैसी होती है, ड्राई कैसी होती है, ऑयली कैसी होती है वो बताया था। फिर भी मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगी ये टॉपिक जो है नोइंग द स्किन टाइप, ये बताने वाली हूँ हम कैसे स्किन टाइप पता कर सकते हैं कि कौन सी स्किन टाइप है हम आपकी क्लाइंट की जो है। सो नोइंग स्किन टाइप, फर्स्ट स्टेप हमारा जो है नोइंग स्किन टाइप, उसमें हमारा नॉर्मल मेन जो स्किन टाइप होते हैं नॉर्मल, ऑयली एंड ड्राई। एंड इसमें जैसे कम्प्लेक्शन इज इवन, नॉर्मल स्किन में जो कम्प्लेक्शन होगा वो इवन होगा, जैसे कि पिगमेंटेशन नहीं होगी, वो इवन कम्प्लेक्शन होगा, इवन कम्प्लेक्शन। Even complexion, the face will have an all over shine. जो हमारा oily skin में जो होगी हमारा all over जो होगा face shine, all over face shine. Normal में even complexion, oily में all over face shine, dry में looks feels dry and tight. Looks फेस ड्राई एंड टाइट। अब ड्राई में जो होगा लुक्स फेस ड्राई एंड टाइट, ड्राई और टाइट होगा। इसी नॉर्मल में जो सेकंड है, नाइदर टू ऑयली नॉर टू ड्राई, ना कि ना ज़्यादा ऑयली होगा ना ज़्यादा ड्राई होगा, जो नॉर्मल स्किन होगी। और जो ऑयली होगी एक्ने एंड पिगमेंटेशन मार्क्स, और ऑल ओवर फेस में जो होगा एक्ने एंड पिगमेंटेशन मार्क्स, एक्ने और एक्ने के जो है मार्क्स होंगे। एंड ड्राई स्किन में जो है क्रीम बेस्ड और लिक्विड फाउंडेशन आर एडवाइजेबल। ड्राई स्किन में आप क्रीम बेस्ड और लिक्विड फाउंडेशन ही ज़्यादा एप्लीकेशन करें, जिससे कि आपके एक फ्लॉलेस बेस बन जाएगा इसमें। एंड नॉर्मल स्किन में जो है लोशन बेस्ड फाउंडेशन आर रिकमेंडेड। लोशन बेस्ड जो फाउंडेशन होते हैं या सीरम बेस्ड जो फाउंडेशन होते हैं वो नॉर्मल स्किन के लिए वो एडवाइजेबल है। ऑयली स्किन के लिए ऑयल फ्री लिक्विड और HD फाउंडेशन आर एप्रोप्रिएट। जो ऑयली स्किन में अगर हम नॉर्मल क्रीम बेस्ड फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, थोड़ी देर बाद वो मेकअप जो है वो रिमूव होने लग जाएगा। सो इसमें हम ऑयल फ्री लिक्विड और HD फाउंडेशन हम एप्रोप्रिएट मानते हैं। एंड जो ड्राई स्किन है, अप्लाइंग कॉम्पैक्ट पाउडर ऑन ड्राई स्किन कैन मेक इट फील पैच्ड। अगर हम ड्राई स्किन में
फाउंडेशन के बाद अगर हम कॉम्पैक्ट पाउडर हम यूज़ करते हैं तो स्किन हमारे जो होगी वो सूखा सूखा लगेगा, ड्राई ड्राई सा लगेगा। सो ये हमारे होगा नोइंग टाइप्स स्किन। इस तरीके से हम स्किन के टाइप्स हम जो है वो पता कर सकते हैं एंड हम किस तरीके के फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, ये हमारा इसमें हो गया। एंड सो नोइंग स्किन टाइप के बाद जो हमारा होगा स्किन प्रिपरेशन, स्किन को पता करने के बाद हमें जो क्लाइंट के आपके जो है मेकअप करने से पहले स्किन प्रिपरेशन करनी होगी, जिसे हम CTM करते हैं, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। एंड हमारा जो प्राइमर्स है ये भी एक इस तरह एक तरीके का जो स्किन प्रिपरेशन में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो प्राइमर होता है। एंड स्किन जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा CTM क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर मेकअप एंड प्राइमर मॉइस्चराइजर। इसमें हम मॉइस्चराइजर भी यूज़ करते हैं जैसे क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। दे नॉट ओनली हाइड्रेट द स्किन बट द हेल्प मेकअप गो ऑन स्मूथली एंड प्रॉपरली ऑन द स्किन। मॉइस्चराइजर जो है स्किन में जो है मेकअप को जो है स्किन को हाइड्रेट करता है एंड मेकअप जो है उसको स्मूथ बनाता है। एंड इसी तरीके से जो प्राइमर है टेम्प्ररी जो हमारे ओपन पोर्स है उसको फिल करता है, पोर्स फिलिंग टेम्प्ररी जो है हमारे ओपन पोर्स को फिल करता है एंड जो हमारे फेस में इम्परफेक्शन होती है उनको फिल करके हमारे फाउंडेशन को एक स्मूथ टोन देने, स्मूथ कम्प्लेक्शन देने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फर्स्ट हमारा हो गया नोइंग स्किन टाइप्स, देन हो गया हमारा स्किन प्रिपरेशन, थर्ड हो गया हाउ टू चूज राइट फाउंडेशन, हाउ टू चूज राइट फाउंडेशन। हाउ टू चूज़ राइट फाउंडेशन। अब गाइज मेकअप करने में फाउंडेशन तो हर कोई लगा लेता है बट एग्जैक्ट स्किन टोन के अकॉर्डिंग या फिर आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे स्किन है उसके उस टाइप से अगर आप हमें हम राइट फाउंडेशन चूज़ करते हैं तो हमारा बेस जो है फ्लॉलेस होता है, स्मूथ होता है एंड जो है लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। अब इसमें टोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्किन टोन्स होते हैं जो कि हमारे होती हैं 6 टाइप की स्किन टोन्स होते हैं जिसमें वेरी फेयर, फेयर, मीडियम, ऑलिव, डार्क एंड ब्लैक स्किन टोन होती है। इसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है फाउंडेशन चूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउ टू चूज राइट फाउंडेशन में हमारा जो है स्किन टोन पता होना चाहिए। स्किन टोन में हमारे जो है 6 टाइप के जो हमारे स्किन टोन होते हैं, वेरी फेयर, फेयर, मीडियम, ऑलिव, डार्क, ब्लैक। वेरी फेयर जो होते हैं जैसे गाइस फॉरनर्स के होते हैं, इंडियन में बहुत ही रेयरली वेरी फेयर होते हैं। फेयर, मीडियम, ऑलिव और डार्क स्किन टोन जो है इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जैसे डार्क ब्लैक जो होते हैं वो नाइजेरियन वगैरह जो होते हैं वो उनकी स्किन टोन होते हैं। इंडिया में जैसे वेरी फेयर और ब्लैक स्किन टोन जो है वो बहुत ही होती है। फेयर, मीडियम, ऑलिव, डार्क ये स्किन टोन जो है मोस्टली ज़्यादा होती है, मीडियम और फेयर ज़्यादा होती है। एंड इसके अकॉर्डिंग जैसे हम फाउंडेशन चूज़ करते हैं तो हमें पहले या चिक्स पे या फिर हमें नेक पे ऐसे हमें अप्लाई करनी होती है थोड़ी सी, अगर एग्जैक्ट स्किन टोन के साथ मैच हो रहा है। अगर हम अप्लाई फाउंडेशन हम जैसे हमने कहीं पर लगाया वो डिसअपियर हो रहा है, वो दिख नहीं रहा एग्जैक्ट मैचिंग का है स्किन टोन में, तो वो हमारा उसी तरीके का हम फाउंडेशन जो है वो चूज़ करेंगे हमारे क्लाइंट के लिए या फिर हम अपने ऊपर कोई भी। जैसे अब गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं फाउंडेशन परचेज करते टाइम हम क्या करते हैं हाथ पे लगा के फाउंडेशन परचेज करते हैं, बट गाइस हमारे हैंड की और हमारे फेस और नेक की जो स्किन टोन है वो इक्वल नहीं होती, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होती, किसी की होती है किसी की नहीं होती है। बट राइट वे ये है कि जब भी हम फाउंडेशन परचेज करें हम नेक पे या फिर हम चिक्स पे अप्लाई करके जब ही हम फाउंडेशन परचेज करें या फिर हम किसी पे अप्लाई कर रहे हैं अगर हम हमारे पास कोई शेड नहीं है तो आप दो फाउंडेशन को मिक्स करके आप एक शेड बना सकते जो कि हमारा एग्जैक्ट शेड का होना चाहिए एंड जो कंसीलर होगा हमारा एक दो टोन ऊपर का होगा जो कि एक दो टोन लिफ्ट करने में वो जो हमारा फाउंडेशन का हेल्प करेगा। बट जो फाउंडेशन होगा एग्जैक्ट सेम टोन का होना चाहिए, ना कि ऊपर होना चाहिए ना कि डाउन हो जाए, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है पता ना चले कि हमने मेकअप लगाया हुआ है, एग्जैक्ट स्किन में डिसअपियर होना चाहिए जो हमारा फाउंडेशन है। एंड इसमें जो है हमारा वार्म टोन एंड कूल टोन भी होते हैं, जैसे कि हम फाउंडेशन परचेज करते हैं हमारा अंडरटोन क्या है अंडरटोन के अकॉर्डिंग भी हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, वार्म है, कूल है, न्यूट्रल है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ये पता कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको कि हम वार्म टोन और कूल टोन हम कैसे पता करें। सो गाइस अंडरटोन, कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। कूल अंडरटोन हमारा कैसे पता करना है, इफ वेन्स ऑफ योर वेस्ट आर ब्लू और पर्पल,
जैसे हमारे यहाँ के नसें जो होती है वो ब्लू और पर्पल होती है, तो वो हमारे जो है वो कूल अंडरटोन होती है। जैसे यहाँ पे हमारे दिखती है ब्लू और पर्पल बहुत सारी, जैसे ग्रीन होती है या फिर तो इस तरह की आपकी, जैसे ब्लू और पर्पल में आपकी यहाँ की नसें, वेस्ट की नसें ब्लू और पर्पल है, तो वो आपकी है कूल अंडरटोन। इफ़ सिल्वर ज्वेलरी फ्लैटर्स योर स्किन देन गोल्ड, अगर गोल्ड से भी ज़्यादा अगर सिल्वर ज्वेलरी आप पे स्किन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ज़्यादा सूट करती है, वो अच्छे से खिल के आती है, तो वो आपकी जो है वो कूल अंडरटोन है। व्हेन यू लुक एट योर स्किन इन द सन इट अपीयर्स ब्लूइश, अगर आप धूप में सनलाइट में अगर आपकी स्किन आप देखते हो अगर वो ब्लूइश नज़र आती है, तो वो आपकी जो है वो कूल अंडरटोन होती है। सो इसी तरीके से हमने कूल अंडरटोन एंड सेकेंड हो गया हमारा वार्म अंडरटोन। गाइस आप ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपने नोटबुक में जो बनाया होगा, या फिर आप बना लो। एंड आपने अभी ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो, तो आप मैंने जो है डे वन से आप देखो आपको बहुत अच्छे से समझ आया आएगा, एंड आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, इसमें जो इफ़ द फैंस सो गाइस वार्म टोन में जो है वार्म अंडरटोन में द वेन्स ऑफ योर वेस्ट आर ग्रीन, अगर हमारे जो सो अगर आपकी यहाँ की कलाई की ये जो नसें होती है वो आपकी ग्रीन कलर की है, तो वो आपका वार्म अंडरटोन होती है। अगर आपके जैसे कि स्किन टोन में अगर जैसे कि सिल्वर ज्वेलरी से भी ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा अच्छी दिखती है, ज़्यादा सूट करती है, तो वो हमारी वार्म अंडरटोन होती है। एंड अगर हम सनलाइट में स्किन टोन अगर हम स्किन देखें तो वो हमारी येलोइश नज़र आती है, इसका मतलब हमारा जो है वो वार्म अंडरटोन है। एंड जो न्यूट्रल अंडरटोन है वेन्स आर ब्लू ग्रीन, अब उसमें तो हो गए हमारा जो है जैसे कि कूल में जो होगा ब्लू और पर्पल था, वार्म में जो है वो हमारी जो थी ग्रीन थी, एंड जो न्यूट्रल में है वो हमारे ब्लू ग्रीन है। जो हमने कम्प्लीमेंट्री कलर पढ़ा था, कम्प्लीमेंट्री नहीं सॉरी गाइस, जो हमारा प्राइमरी जो हमारा टर्जरी कलर था ब्लू ग्रीन, वो जो इफ़ वीन्स आर ब्लू ग्रीन देन न्यूट्रल अंडरटोन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों ज्वेलरी ही स्किन को फ्लैटर करती हैं, तो वो है हमारा न्यूट्रल अंडरटोन। एंड जैसे कोई क्लाइंट कहता है मुझे पे ना जैसे गोल्ड की ज़्यादा सूट करती है गोल्ड से, या फिर कोई सिल्वर ज़्यादा ज्वेलरी सूट करती है, तो इस तरह के से वो हमारे जो अंडरटोन पे डिपेंड करती है। एंड जो हमारी स्किन टोन अगर हम सनलाइट में देखेंगे तो वो हमारी स्किन टोन जो होगी वो ग्रीनी नजर आएगी, कूल में जो होगी वो हमारे ब्लूइश होगी, वार्म में जो होगी वो येलोइश होगी, एंड न्यूट्रल में जो होगी वो ग्रीनिश नज़र आएगी। एंड इसके बाद जो था हमारा गाइस टूल्स फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन, फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए फिंगर स्पंज या ब्रश आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट हम क्लाइंट पे फिंगर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अगर हम फिंगर यूज़ करेंगे तो वो एक प्रोफेशनली नहीं माना जाता। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं तो आप फिंगर यूज़ कर सकते हैं, बट क्लाइंट पे जो है हम या फिर ब्रश और या फिर स्पंज ही यूज़ करते हैं प्रोफेशनली जो है। सो यहाँ पे एक और टूल भी है गाइस जो है एयर ब्रश है, एयर ब्रश से भी हम फाउंडेशन जो है वो एप्लीकेशन करते हैं एयर ब्रश से। अब जैसे कि आज फिंगर से हम अगर नेचुरल लुक करना है, ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए, अगर हम सेल्फ मेकअप कर रहे हैं तो उसमें हम अगर फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पंज के लिए जैसे हमें हाई कवरेज चाहिए तो हम स्पंज यूज़ कर सकते हैं, मीडियम कवरेज के लिए हम ब्रश यूज़ कर सकते हैं। एंड जो एयर ब्रश है हम सिलिकॉन बेस्ड जो लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए, हम एयर ब्रश मशीन भी यूज़ करते हैं। एंड जो हमारा जो फाउंडेशन एप्लीकेशन टेक्निक होगी गाइस, हमेशा जो है अपने टी जोन एरिया से हमें डाउनवर्ड जो है स्प्रेड करना है फाउंडेशन को जो है, जैसे कि फाउंडेशन एप्लीकेशन सपोज लगे हमारा टी जोन एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टी जोन एरिया से जो है फाउंडेशन एप्लीकेशन करके उसको हमें डाउनवर्ड्स में जो है उसको स्प्रेड करना होता है। देन एक्सेस जो है एक क्लीन स्पंज लेके हम जो कि एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो हमारा स्पंज अपना जो एब्जॉर्ब कर लेता है फाउंडेशन को। अप्लाई अ स्मॉल क्वान्टिटी टू बिल्ड अ लिटिल बाई लिटिल, हमें एक जम से ही पूरा फाउंडेशन जो है थोपना नहीं है, लिटिल बाई लिटिल जो है क्वान्टिटी हमें, जैसे कि हमें फाउंडेशन एप्लीकेशन करना है लिटिल बाई लिटिल, अगर हमें ज़्यादा एक्सेस हमें जो कवरेज की नीड होगी तो ही हमें जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेके आनी है, दोबारा हम उसमें रीअप्लाई कर सकते हैं, बट एकदम से ही जितना हमने बेस मिक्सिंग करके जो भी बनाया है सारा का सारा हमने नहीं अप्लाई करना है, स्किन टाइप और रिक्वायरमेंट स्किन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने फाउंडेशन अप्लाई करना है गाइस। ये तो मैं थ्योरिकली बता रही हूँ, बट जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्लॉलेस बेस टेक्निक की जो है वो प्रैक्टिकली ही बताऊँगी, जैसे कि फाउंडेशन एप्लीकेशन हम कैसे करें, स्किन प्रिपरेशन सब कुछ मैं जो है वो प्रैक्टिकली बताऊँगी
और इसमें आप फिंगर स्पंज ब्रश जो एयर ब्रश है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंसीलर्स करेक्टर्स जो है वो मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा आपको समझ आएगा, क्योंकि ये एक ही वीडियो में इतना सारा जो है वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। सो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड आपने मेरी पहले की क्लासेस की जो वीडियो नहीं देखी है तो सो जल्दी से जाके देखिए, आपको भी समझ आएगा एंड आगे की वीडियो जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।